क्लास 11 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पार्ट 1। हेलो स्टूडेंट्स, एक और नया टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ, वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि हम क्यों पढ़ रहे हैं और ये क्या है, देखते हैं। देखो, अब से पहले हम मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे थे, हमने बात की मॉलिक्यूल्स की शेप की, जो कहाँ से, किसने बताया, वेस्पर थ्योरी से हम लोगों ने वेरियस मॉलिक्यूल्स के शेप की बात की। या फिर मैं शुरुआत से करती हूँ, लेवाइस ने बताया कि मॉलिक्यूल फॉर्मेशन क्यों होता है, सबसे पहला अप्रोच वही था, मॉलिक्यूल फॉर्मेशन क्यों होता है। उनका ये कहना था कि एटम्स जो हैं वो अपने आउटर मोस्ट ऑक्टेट को पूरा करने के लिए एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन लूज गेन या शेयर करते हैं, लेकिन उन्होंने शेप के बारे में कुछ नहीं बताया। नेक्स्ट थ्योरी आई वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इन सब के वीडियोस बने हुए हैं, इसीलिए जरा सा टचअप मैं आप लोगों को दे रही हूँ। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी क्या कहती है, ये इलेक्ट्रॉन्स के सेंट्रल मेटल एटम के पास जो चाहे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है चाहे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, उनके रिपल्सन को लेकर के जो शेप बनती है मॉलिक्यूल की उसको डिस्कस करता है। फिर तीसरी आई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है कि मॉलिक्यूल बनता किस तरीके से है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कहना था एटॉमिक ओवरलैपिंग से मॉलिक्यूल बनता है। एग्जांपल लेकर के हम इसको शुरू करते हैं, फिर एमओटी पे आएंगे। से फॉर एग्जांपल, ये हाइड्रोजन का एटम है, मैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बनने की बात कर रही हूँ। ये हाइड्रोजन का एटम है, इसके पास ये न्यूक्लियस है और ये इसका इलेक्ट्रॉन है। ये दूसरे हाइड्रोजन एटम से कैसे जुड़ेगा, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस है। देखो, ये ऑर्बिटल्स हैं, ये ऑर्बिटल्स आपस में जब तक ओवरलैप नहीं होंगे तब तक ये इलेक्ट्रॉन इसके पास और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं जा सकता। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है कि देखो, इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नो डाउट, ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोई डाउट नहीं है। नई फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रही है, किसमें, ये न्यूक्लियस इसका और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में एक न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, डेवलप हो रही है, तभी तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये वाला इसको अपनी तरफ खींच रहा है। ये क्या है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, ये ओल्ड फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, ये न्यू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। लेकिन सिर्फ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो नहीं, क्या हो सकता है, फोर्सेज ऑफ रिपल्शन, ये आपस में रिपल्शन करेंगे, दोनों न्यूक्लियस जितने नजदीक आएंगे तो रिपल्शन होगा, और रिपल्शन किनके बीच में होगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में भी रिपल्शन होगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में भी रिपल्शन है। अब देखो, यहां पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि जब भी दो एटम्स जब नजदीक आते हैं उनके और ऑर्बिटल्स जो ओवरलैप करेंगे वो किस पे डिपेंड करता है, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्सेज ऑफ रिपल्शन। टोटल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन अगर टोटल फोर्सेज ऑफ रिपल्शन से ज्यादा हो जाती हैं तो ये ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर कर लेंगे। देखेंगे, ध्यान देंगे, यहाँ पे कोई नया ऑर्बिटल नहीं बना, एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल से ओवरलैप कर गया, यहाँ पे इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लिया। अब ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन इस ये न्यूक्लियस भी शेयर कर रहा है और ये वाला ये न्यूक्लियस भी शेयर कर रहा है। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि अगर रिपल्सिव फोर्सेस अट्रैक्टिव फोर्सेस से ज्यादा हो जाएंगी तो मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। ये थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, लेकिन हमें तो बात करनी है किसकी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। ये सारी थ्योरीज जो अभी आ रही थी, वेस्पर थ्योरी थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी, मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन और उसके शेप, अब ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है इससे फिर आगे क्या है, हाइब्रिडाइजेशन, ओवरलैपिंग एनर्जीज ओवरलैप हो रही है, हाइब्रिडाइजेशन से हमने शेप्स की बात की। लेकिन मॉलिक्यूल के कुछ कैरेक्टर्स जैसे उसका डायमैग्नेटिक नेचर, पैरामैग्नेटिक नेचर, बॉन्ड की स्ट्रेंथ, या फिर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा हम कैसे बताएंगे, अब हम लोग फोर्सेस कैलकुलेट करने के बजाय हम बात करेंगे कि बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा दो एटम्स के बीच में। वो थ्योरी प्रपोज हुई है 1932 में, हंट और मिल्लिकन ने प्रपोज की, सामने लेके आए वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को। हम उसी थ्योरी के बारे में आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले कुछ साइलेंट फीचर्स जान लेते हैं उस थ्योरी के, एंड देन उसके बाद में हम फॉर्मेशन कैसे हुई उसकी बात करेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का पहला फीचर क्या है, जिस तरह से एटम के ऑर्बिटल्स होते हैं इसी तरह से मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं,
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जिस तरह से एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। कैसे बनता है, कैसे बनता है, आपस में मर्ज हो जाते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल मिल करके नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ओवरलैपिंग हो रही थी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में नए ऑर्बिटल्स बनते हैं। दो तरह के ऑर्बिटल्स बनते हैं, बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग। इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये बनते कैसे, नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। जितने ऑर्बिटल्स ओवरलैप होंगे उतने ही नए ऑर्बिटल बनेंगे। जैसे मान लो 1s ऑर्बिटल, दो ऑर्बिटल ओवरलैप हुए तो दो नए ऑर्बिटल बनेंगे, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। अगर पी ऑर्बिटल्स ओवरलैप होते हैं, तीन पी ऑर्बिटल ओवरलैप होते हैं, एक एटम के तीन पी ऑर्बिटल, दूसरे एटम के तीन पी ऑर्बिटल ओवरलैप होंगे तो कितने ओवरलैप हुए, 6 ऑर्बिटल्स। अब नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, 6 ही बनेंगे, जिसमें से 3 बॉन्डिंग ऑर्बिटल होंगे और 3 नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होंगे। मैं डिस्कस करने वाली हूँ बनेंगे कैसे। इसके बाद एक और मजेदार फीचर है, एटम क्या होता है, यूनी न्यूक्लिएट होता है, उसका एक ही न्यूक्लियस होता है मॉलिक्यूल। क्योंकि दो या दो से ज्यादा एटम्स आपस में मर्ज हो रहे हैं तो मल्टी न्यूक्लिएट होता है। मल्टी न्यूक्लिएट मतलब एक मॉलिक्यूल में दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियस हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कितने एटम्स ने ओवरलैप किया है, कितने एटम्स मर्ज हुए हैं, नए ऑर्बिटल्स बने हैं। जो खास बात है वो ये है कि ओवरलैप कौन होंगे, कब नए बॉन्डिंग या नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेंगे, जब सिमिलर एनर्जी के ऑर्बिटल्स मिलेंगे और सिमिलर सिमेट्री में मिलेंगे, सेम प्लेन में। जैसे अगर 1s ऑर्बिटल है तो वो 1s के ही साथ मर्ज हो पाएगा, 1s ऑर्बिटल 2s के साथ नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इन दोनों की एनर्जीज अलग हैं। जैसे 2p के अगर ऑर्बिटल्स हैं तो वो दूसरे वाले एटम के 2p ऑर्बिटल्स के ही साथ मिक्स होंगे, 2p के ऑर्बिटल 3p के साथ या 4p के साथ मिक्स होकर के नए बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स या एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स नहीं बनाएंगे, सिमिलर एनर्जी वाले ही आपस में ओवरलैप करके नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ये खास बात है, बहुत इंपॉर्टेंट, और सिमेट्री इनकी सेम होनी चाहिए। जैसे हमारे पास ऑर्बिटल्स p के 3 ऑर्बिटल्स हैं, px, py एंड p, ये देखो z को हम लोग ना कन्वेंशनली एक्सिस, मेन एक्सिस को मान के चलते हैं कन्वेंशनली, देखिए अदरवाइज हम लोग px, py, px इसको मानते हैं, y इसको मानते हैं, लेकिन हम लोग इसमें केमिस्ट्री में pz को मानते हैं, ये मेन एक्सिस वाला ऑर्बिटल है। ये हम लोगों ने ले लिया py, ये हमने ले लिया px, ठीक है, तीन ऑर्बिटल्स हैं। अब देखो pz जो है pz के साथ ही ओवरलैप करेगा, pz py के साथ यहाँ इसके साथ ओवरलैप नहीं कर सकता, py px के साथ ओवरलैप नहीं कर सकता, मतलब pz pz के साथ ही करेगा, py py के साथ ही करेगा और pz pz के साथ ही करेगा। यही बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के। अब मैं आ जाती हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर का है, फैक्टर है इसका, बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनते कैसे हैं। साइलेंट फीचर्स हम जान चुके हैं, ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बने कैसे, ध्यान देंगे। ऑर्बिटल यानी कि इलेक्ट्रॉन वेव, एटॉमिक ऑर्बिटल यानी कि एटम के इलेक्ट्रॉन की वेव, दूसरे वाले की इलेक्ट्रॉन वेव। मान लो ये ले लिया हमने, से फॉर एग्जाम्पल मैं ए ले लेती हूँ, फर्स्ट ए एटम है, उसकी इलेक्ट्रॉन वेव कैसे दिखाएंगे हम, ये ऐसे, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अभी मैं करके बता रही हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगी। देखो आप लोग कई बार बुक्स में देखते होंगे, इसमें यहाँ पे प्लस और माइनस का साइन है, ये प्लस माइनस न्यूक्लियस या इलेक्ट्रॉन को डिनोट नहीं करता है, ये प्लस माइनस वेव को डिनोट करता है। ये इसके एक्स एक्सिस के, वाई एक्सिस के, सॉरी एक्स एक्सिस के ऊपर वाली जो वेव है उसको हम प्लस से डिनोट करते हैं, नीचे वाली को हम माइनस से, ट्रफ एंड क्रस्ट, आप वेव के बारे में जानते हैं। ये ऑर्बिटल ए की, ए ए एटम के ऑर्बिटल की वेव है, बी एटम के ऑर्बिटल की वेव इन फेज इसके साथ हो भी सकती है
और नहीं भी हो सकते। ये क्या होता है, ये एम्पलीट्यूड होता है और इसको हम किससे शो करते हैं, साइन से शो करते हैं। और इसके स्क्वायर का ही तो वेव फंक्शन इसी के स्क्वायर पे तो डिपेंड करता है, एटॉमिक ऑर्बिटल यानी कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी। कौन बताता है, एम्पलीट्यूड वेव फंक्शन। अगर दूसरे वाले की वेव भी ऐसे ही इन सिंक है इसके साथ, इसका ट्रफ और क्रस्ट एक साथ, देखो ये वाला प्लस प्लस और इधर माइनस के साथ माइनस, प्लस के साथ प्लस, तो क्या होगा, ये वेव फंक्शंस प्लस हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ये हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दोनों मिक्स हो रही हैं और नई वेव बन रही हैं और इनमें एम्पलीट्यूड और भी ज्यादा हो रहा है, प्लस हो गई ना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, ये प्लस और ये माइनस वाला, राइट। अगर ये इन फेज नहीं होंगी, दोनों प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ये इन फेज भी होंगी और इन फेज नहीं भी होंगी, ये दो तरीके से प्लस माइनस होते हैं, जो ऑर्बिटल्स नए बनते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये क्या थे, ए और बी के एटॉमिक ऑर्बिटल थे, ये एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, एक कौन सा, प्लस होकर के, तो हमारे पास ये क्या हो जाता है, साई को हम लोग साई ए प्लस साई बी, जो हमारे पास क्या बने हैं, नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने। एक तो आपको इस तरह से मिलेगा बॉन्डिंग, और नॉन बॉन्डिंग क्या मिलेगा, साई ए माइनस साई बी। माइनस कैसे होंगे, देखो मैं इसको इरेज करती हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये आपको थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है। अगर ये माइनस होगा कब, जब ये दोनों वेव इन फेज नहीं होंगी। इन फेज कैसे, ये देखो इसका प्लस है तो यहाँ पे इसका माइनस हो जाए, ये इसका प्लस हो जाए, इन फेज नहीं है, उल्टी चल रही है, तो ये जब आपस में मिलेंगी, ये जब आपस में मिलेंगी तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, डिस्ट्रक्टिव होंगी, और अब जब नया एम्पलीट्यूड बनेगा डिस्ट्रक्टिव की वजह से, ये देखो एम्पलीट्यूड कम हो गया, ये माइनस होके बना है। अब देखो प्लस और माइनस होने से क्या होता है, ये तो मैंने बताया कि तुम्हारे को ये बॉन्ड्स बन रहे हैं, बॉन्डिंग और एंटीबॉडी। प्लस माइनस होने से होता क्या है, क्या कारण है कि ये चीजें गड़बड़ कर जाती हैं, गड़बड़ कुछ नहीं है, एनर्जी लेवल में डिफरेंस आ जाता है और कुछ नहीं। मान लो मेरा एक ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसका ये न्यूक्लियस है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसका ये न्यूक्लियस है, ये प्लस वेव वाली प्लस वेव से मिल रही है, फिर बताऊंगी ये प्लस न्यूक्लियस नहीं है, ना ही ये इलेक्ट्रॉन कुछ शो कर रहा है, ये कह रहा है दोनों वेव जब इन सिंक है तो नया जो ऑर्बिटल बनेगा वो ऐसा बनेगा, दोनों न्यूक्लियस साइड में और प्लस यानी कि जो एम्पलीट्यूड है वो जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा इलेक्ट्रॉन के वहां पे पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो इस एरिया में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मैं ऐसे लिख देती हूँ, कहीं पे भी बुक में नहीं लिखा, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ये प्लस हो गई है, इसको मिटा देती हूँ, दिस इज नॉट न्यूक्लियस, इस एरिया में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। अब इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा यहां पे होगी तो इस न्यूक्लियस में और इस न्यूक्लियस में रिपल्शन कम होगा, क्यों, बीच में इलेक्ट्रॉन्स आ गए ना, शील्डिंग हो गई। अगर देखो यहीं पे इलेक्ट्रॉन्स यहां और यहां पाए जाते कब, डिस्ट्रक्टिव में, ये तो प्लस प्लस थे, अगर हमारे पास ये एक प्लस वाली वेव और एक माइनस वाली वेव आ जाती तो ये क्या हो जाते, ये माइनस हो जाते, माइनस होकर के क्या शो करते, ये इस तरह से जाता, मतलब जो वेव था वो छोटी हो गई थी और उसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कम है, मतलब दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, नहीं ही होगा, बल्कि नोडल प्लेन हो जाता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब नहीं है तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन बहुत ज्यादा है, ज्यादा रिपल्शन हाई एनर्जी, हाई एनर्जी, कम रिपल्शन लो एनर्जी, लो एनर्जी स्टेबल, हाई एनर्जी अनस्टेबल, ये चीजें जरूरी हैं। ये जो ऑर्बिटल बना है दिस विल बी नोन एज बॉन्डिंग ऑर्बिटल और ये क्या हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। इसी तरह से पी के बी ऑर्बिटल्स ओवरलैप होते हैं, कैसे होते हैं, मैं एक बार आपको पी के बी ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करके दिखा देती हूँ। मान लो मेरे पास ये ऑर्बिटल है, इसका प्लस साइन और दूसरा वाला जो पी का ऑर्बिटल है उसका भी वेव प्लस वाली यहां पे है, तो
तो जो नया ऑर्बिटल होगा प्लस होकर के वो कुछ इस तरह का बनेगा, ये प्लस हो जाएंगी, कुछ इस तरह का बनेगा, प्लस आ गया मतलब एम्पलीट्यूड बढ़ गया। और अगर यही वाले, अगर ये तो हो गया आपका बॉन्डिंग वाला, और अगर एंटी बॉन्डिंग की हम बात करें तो इसका माइनस वेव और इसकी प्लस वेव एक साथ आ जाती हैं, तो ये एक दूसरे को रिपल्शन देंगी और बीच में नोडल प्लेन बनेगा, और ये किस तरह का ऑर्बिटल बन जाएगा, ये इस तरह का, यहाँ ये माइनस हो जाएंगी, ये आपकी प्लस प्लस अलग चली गई दूर, प्लस माइनस, ठीक है, ये नोडल प्लेन आ गया। नोडल प्लेन मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, इसकी वजह से इसमें रिपल्शन है और इसमें रिपल्शन, दोनों न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन बहुत कम है बिकॉज बीच में इलेक्ट्रॉन आ गया। इसी तरह के डायग्राम्स उसके पी वाई और पी जेड के भी ड्रॉ हो सकते हैं। अब मैं आ जाती हूँ अपनी मेन मुद्दे पे। यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनते हैं। अब इसको मैं करती हूँ सिंप्लीफाई, ऑर्बिटल्स को मैं और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करती हूँ जो अब तुम्हारे काम आने वाले। ये सारी चीजें आपको सिर्फ समझाने के लिए थी कि किस तरीके से ये ऑर्बिटल्स बनते हैं। देखो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल में बना करके देखते हो, अभी जैसे उसमें बॉन्ड बनते हैं ना ओवरलैपिंग में, वैलेंस बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, ऐसे ही इसमें भी बनते हैं। जो बॉन्डिंग होगा साई ए प्लस साई बी करके बना रहा है, वो क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और साई ए माइनस साई बी दैट इज एंटी बॉन्डिंग बना रहा है, उसको हम स्टार से शो करते हैं, राइट। हेड टू हेड ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड, साइडवेज ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड, राइट। अब मैं बनाने की कोशिश करती हूँ H2 को, आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ कि ये एनर्जी लेवल डायग्राम्स कैसे बनाए जाते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। देखो एक ऑर्बिटल किसका है, हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दूसरे हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल ले लिया हमने, इसको मान लेते हैं हाइड्रोजन ए और इसको मान लेते हैं हाइड्रोजन बी, एटम्स है। मैंने क्या कहा था, दोनों ऑर्बिटल्स मिक्स, अच्छा इसको ले लेते हैं हम एनर्जी लेवल, ऊपर की तरफ एनर्जी बढ़ रहा है। दो ऑर्बिटल हैं, दो ऑर्बिटल मर्ज होंगे, नए दो ऑर्बिटल बनेंगे, एक बॉन्डिंग और एक नॉन बॉन्डिंग। बॉन्डिंग की एनर्जी कम, नॉन बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा। देखो टोटल एनर्जी तो वही रहेगी, बॉन्डिंग की जितनी कम हो जाएगी नॉन बॉन्डिंग की उतनी ही बढ़ जाएगी। तो जो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे वो ऐसे बनेंगे, ये हाइड्रोजन का ये हो गया, ये 1s था ना, 1s हाइड्रोजन का, ये 1s, यही तो होता है 1s1 हाइड्रोजन का। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s बॉन्डिंग ऑर्बिटल, सिग्मा 1s, और जो एंटी बॉन्डिंग है वो एनर्जी में ज्यादा होगा और वो क्या बन जाएगा, सिग्मा स्टार 1s, राइट। अब देखो ये इस तरह से एनर्जी लेवल डायग्राम हम शो करते हैं। मेरे पास एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अगर हम मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन्स को पता डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, बिल्कुल वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे जैसे कि वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं एटम्स में, अफबाउ प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए, पहले लो एनर्जी लेवल में फिलअप होंगे फिर हाई एनर्जी लेवल में जाएंगे। मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो पहले किसको फिलअप करेंगे, इसको फिलअप करेंगे, एंड जो मोलिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन होगा हाइड्रोजन का वो होगा सिग्मा 1s2, राइट। इसी तरीके से हम लोग और भी बहुत सारे मोलिकुलर एनर्जी के डायग्राम बना सकते हैं, बनाने की मैं कोशिश करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ क्या फॉलो करता है, रूल क्या फॉलो करता है। अफबाउ प्रिंसिपल ध्यान में रखना है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हंस रूल, ये तीनों ही रूल फॉलो होंगे। अफबाउ एनर्जी लेवल हाई, अब देखो कैसे हाई होगी वो दिखाती हूँ मैं आपको। सबसे पहले अफबाउ प्रिंसिपल में मैं 2-4 तक बताती हूँ, ज्यादा नहीं। 1s से एनर्जी लेवल किसका होता है, 2s का ज्यादा, 2s के बाद 2p के बाद 3s के बाद 3p, यही अफबाउ प्रिंसिपल है, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं इसके बारे में। अब ये क्या था, एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 1s के कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, क्या बनेगा, सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s। इसी तरह से ये स्प्लिट हो जाएगा किसमें, सिग्मा 2s
एंड सिग्मा स्टार 2s। फिर क्या आ गया 2p। देखो यहां पर एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन मैं अगली वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। अभी मैं जनरल ट्रेंड को लेके चलती हूँ और इस वीडियो को खत्म करेंगे। इसके बाद आ जाता है 2p। 2p p कैसे स्प्लिट हो जाएगा, px, py एंड pz। pz को मॉलिक्यूलर एक्सिस मानते हैं हम लोग, तो pz तो बनाएगा सिग्मा बॉन्ड और px और py बनाएगा पाई बॉन्ड। और यहां पे px और py की जो एनर्जी है पाई, एक मिनट, जो इनकी एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, राइट। और उसके बाद जो एनर्जी होगी किसकी आ जाएगी, सिग्मा 2pz बॉन्डिंग। ये दोनों की जो एनर्जी है ये सिमिलर है। इसके बाद हमारी एनर्जी किसकी आएगी, एंटी बॉन्डिंग की। एंटी बॉन्डिंग भी फिर क्या आ जाएगी, इसके बाद आ जाएगी पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py एंड अगला सिग्मा स्टार 2pz। ये एनर्जी लेवल फॉलो होगा। एक्सेप्शन भी इसी में बता देते हैं, फिर उनके एग्जांपल्स अगले वीडियो में करेंगे। ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, इसमें एनर्जी लेवल में स्लाइट सा डिफरेंस है, ज्यादा नहीं। ये बाकी सारी चीजें ऐसे ही जाएंगी, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। यहां पे देखो ये वाला जो है ना, सिग्मा 2pz की एनर्जी ऑक्सीजन और फ्लोरीन में सिर्फ एक्सेप्शन है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में पाई 2px और पाई 2py से कम है, सिर्फ यही एक्सेप्शन है, बाकी एज इट इज चलेगा। पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, ये सिमिलर रहेगा। अब क्या आ जाएगा, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py एंड देन सिग्मा स्टार 2pz। तो ये एक्सेप्शन सिर्फ आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते टाइम ध्यान रखना है। यहां पे मैं इस वीडियो को कंक्लूड कर रही हूं। मैंने इस वीडियो में आप लोगों को जो बेसिक टर्म्स है, बेसिक चीज जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, कैसे बनता है, क्यों बनता है, इसके बारे में बात की। अगली वाली वीडियो में मैं कुछ मॉलिक्यूल्स को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेस पे डिस्कस करने वाली हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मजेदार टॉपिक है, मजा आ रहा है। मैं अगली वीडियो बनाती हूँ, तब तक आप इसको रिवाइज